मौका कर्नाटक में चुनाव का है और चुनाव के बीच में जारी किया गया घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र में ऐलान किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर देंगे। लेकिन आपको बता दें पीएफआई पहले से ही बैन है, जिसे बीजेपी ने बैन किया, लेकिन बजरंग दल को बैन करने का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी ने और साथ ही कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो। इस अगर मगर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई और बयानों पर या आरोपों पर किस तरीके से खेलना है वो पीएम मोदी को बहुत अच्छे से आता है और वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। बजरंग दल पर बैन की इस ऐलान को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और जोड़ने के साथ ही तगड़ा हमला बोला। हमले के बीच पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। इस बार पलटवार के बीच रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने तर्क के साथ जो सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे वो वाकई गहरी बात छोड़ जाते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहा वो बताने से पहले आपको पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक इस मामले पर क्या हुआ। पहले मोदी को सुनिए। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। आराध्य देव, हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे, ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी, मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने आज। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। लेकिन पवन खेड़ा के इसी एक्ट पर जो उन्होंने पॉकेट से हनुमान चालीसा की बुक निकाली और उसे निकालने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। लोग कांग्रेस पार्टी पर अलग ही तरह से तर्कों के आधार पर हमला बोल रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए। जयकुमार शर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि श्री राम तो काल्पनिक थे कांग्रेस के अनुसार, फिर बजरंग बली जो कि श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे वो आपके आराध्य कैसे हुए देशद्रोहियों? हैशटैग कांग्रेस एक देशद्रोही गैंग है। तो इन्होंने तर्क उठाया है कि जो भगवान राम जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए काल्पनिक हुआ करते थे, तो हनुमान के भक्त ये पवन खेड़ा जो हैं वो कैसे बन गए? पवन खेड़ा के बयान पर ही रिएक्ट करते हुए एक और यूजर हैं एडवोकेट कालिका प्रसाद मिश्रा, वो लिखते हैं जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो हमला बोला है पवन खेड़ा पर इन्होंने। इसके अलावा एक और है मारो प्यारो राजस्थान नाम से यूजर, वो लिखते हैं खेड़ा जी एक महीना पहले 6 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, आपका एक ट्वीट नहीं, आपकी INC यानी कि कांग्रेस का एक ट्वीट नहीं, फिर भी आप अपने बचाव में हनुमान जी का फोटो लेकर घूम रहे हो। आप और आपकी पार्टी कितनी हनुमान भक्त है हम सब जानते हैं, ये PC के समय फोटो जेब में डालने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, धूर्त लोगों। तो ये यहाँ पर इन्होंने हमला बोला। लेकिन जो बड़ा तर्क दिया है वो बाहुबली पात्रा नाम के यूजर ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर कांग्रेस सच में बजरंग जी को सम्मान देना चाहती है तो अभी मौर्य जो श्रीराम चरित मानस का अपमान किया था उसकी निंदा करें। तो कांग्रेस पार्टी का भगवान राम को लेकर, कांग्रेस पार्टी का उन लोगों को लेकर जो कि भगवान राम और रामचरित को लेकर सवाल उठाते हैं उन पर क्या स्टैंड है उसे क्लियर करने की बात यहाँ पर यूजर्स ने कही है। और सीधे तौर पर पवन खेड़ा पर निशाना साधा है कि अगर आप भगवान राम को काल्पनिक मानते हो तो हनुमान जी की फोटो लेकर खुद का बचाव करने के लिए क्यों उतर आए हो? क्यों इस तरह का दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी अपना रही है या फिर पवन खेड़ा अपना रहे हैं? आप इन तर्कों को, इन हमलों को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।